तो अगर हम बात करें कि मेरा नाम सिद्धार्थ भगत है और हम काफ़ी सारा सप्लीमेंट्स वगैरह को लेकर काम कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स नरिश सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना। अभी इससे काफ़ी सारा देखें कि बेनिफिट्स आया, बहुत सारा बेनिफिट आया। आज देखिए अंकल के पास में हम लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको क्या क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। आज काफ़ी दिनों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और सबका मन में एक सवाल होता है, जैसे कि हम लोग फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में अंकल भी स्टार्ट कर रहे थे, उनको भी काफ़ी सारा क्वेश्चन था। अभी लहे जैसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किए, बहुत सारा बेनिफिट, काफ़ी सारा रिजल्ट आया और काफ़ी दिनों से हम लोग के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं और खा भी रहे, ठीक है ना। तो इनसे थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। आप थोड़ा अंकल अपना बारे में बता के दीजिए, आपका नाम क्या है। मेरा नाम है नील बहादुर। आप ऐसे करते क्या थे अंकल, पहले काम करो थोड़ा बता के। पहले मैं फौज में था, फौज में से रिटायर्ड ले लिया। रिटायर्ड के बाद में फिर SBI बैंक में उस साल सर्विस किया उधर, अभी वहाँ से भी रिटायर हो गया, अभी घर में ऐसे बैठा हूँ। आपका एज कितना हो रहा है? एज मेरा 81 में रानी हो रहा है। 81 नहीं हो रहा है ना। ऐसे पहले जब मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा बता के देंगे, क्या कैसा कैसा प्रॉब्लम हो रहा था? प्रॉब्लम तो मेरा एक्सपीरियंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ, लोगों का जितना भी उम्र ढलता था तो नाना किस्म के बीमार का उत्पन्न होता है। मैं सोचता हूँ कि विशेषकर सत्य के अनुसार कि जितना एज ज़्यादा होगा सत्य थोड़ा लेस होगा, जहाँ लेस हो गया तो बीमारी उत्पन्न होती। तो ऐसा तो नहीं हुआ था मेरा, और मेरा अनुमान यही है कि एज के कारण से ये सब होता है। हालांकि उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा भी है। जैसे अभी बात का बीमार भी नहीं है, ये घुटने वगैरह दर्द करने के लिए, ज़्यादा चलने से घुटनों और एड़ी के बीच में जो हड्डियाँ हैं उस हड्डी में थोड़ा दर्द सा महसूस होता है, दर्द महसूस। और हार्ट वाला जो पहले थोड़ा हो रहा था, प्रेशर वाला, अच्छा वो सब तो थोड़ा ठीक हो गया। अभी प्रॉब्लम यही है, तो कैल्शियम करके एक दवा मैंने खाया, उससे मेरे को उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ इनसे। चलिए अच्छा बात है। और साथ साथ में अभी नोनी वगैरह खाया, नोनी का इम्प्रूवमेंट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट वगैरह का अच्छा आया, ठीक है ना। चलिए ज़बरदस्त है। और सेम थिंग देखिए, आज अगर बात बोला जाए, अकल काफ़ी सारा इस्तेमाल किया, ठीक है ना, बहुत सारा कुछ कुछ जो छोटा सा प्रॉब्लम है जो अभी लहे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो थैंक यू।